देखो फ्रेंड्स, आज आपको बाइक पे घोड़ा बैठा दिखाते हैं। वो बैठा देखो आगे टंकी पे इस बाइक वाले के। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। जैसे कि आपको पता है कि अपन ने कल एक कैफे का वॉलपेपर रेडी किया था, फ्लेक्स वॉलपेपर जिसे कहते हैं। सो, उसके अंदर दो तीन चीज़ें रह गई थी, तो अब अपन उसको पूरा करने वाले हैं। मतलब कि अभी तक उसकी प्रिंटिंग नहीं हुई थी क्योंकि कुछ डिज़ाइंस में थोड़ा सा वो था, मतलब होल्ड पे डाले हुए थे वो डिज़ाइन उन्होंने ही, कि अभी उनको और डिसाइड करना था कि इसमें चेंज करना है नहीं करना, ये सब चीज़ें। तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो अपन अब प्रिंट करके जल्दी भेजेंगे क्योंकि उनका ओपनिंग का काम है। दैट्स व्हाई मैं अभी नहा के भी नहीं आया हूँ, मैं अभी पहले प्रिंटिंग करने के हिसाब से आ गया। तो अब प्रिंट करके जल्दी से जल्दी वहाँ भेजते हैं साइट पे वो प्रिंट। सो देखिए, स्टे ट्यून, चलते हैं। ये क्रिएटिव सेव होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है। इतना टाइम थोड़ी लगता है सेव होने में, पर लग जाता है। 6.5-6 GB की फाइल बन जाती है। अब मैं सिर्फ इस फाइल के सेव होने का वेट कर रहा हूँ। अब देखो इसमें टाइम कितना लगता है। मुद्दे की बात ये है, लेट्स सी, अभी तक भाई 10% पे ही है। 6-6.5 GB की फाइल बन गई है। क्या होता है, जुगाड़ करके बनाई हुई है फाइल, तो थोड़ी हैवी हो गई। तो देखते हैं कभी अपना प्रिंट हो पाता और कब अपन जाके दे के आ पाते हैं, क्योंकि कल की ओपनिंग है वहाँ की। तो ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा हिट करती है। 1 घंटे के सफ़र के, मतलब सब्र के बाद मैंने फाइल लगा दी एडिटिंग में। तो अब ये प्रोसेस हो रही है, अब ये भी देखते हैं, कैलकुलेट करके बताएगी क्या कितना टाइम लेगी ये। तो अब चेक करते हैं ये कितना टाइम लेती है, फिर उस हिसाब से अब देखते हैं अपने को कितनी देर और वेट करना है, क्योंकि ये हैवी फाइल बन चुकी है 6.5 GB की। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। ये चीज़ें प्रिंटिंग में टाइम नहीं लगता है, रिपिंग में टाइम लगता है। रिपिंग क्या होता है, इसको पहले अता पता बताने के लिए कुछ जुगाड़ होता है। रिपिंग मैं बता नहीं पा रहा ढंग से क्या बोलते हैं उसको, बट ऐसा ही कुछ होता है। भैया मिर्जापुर वाला सारा सामान यहाँ बन जाता है, ये क्या बन रहा है भैया, क्या बन रहा है भैया, ये कट्टे वट्टे सब बना देते हैं भैया। वो कहाँ है ये जो इसकी, वो है हाँ, वो देखो वो बना के रेडी रख रखी है। अब इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी ये कंप्लीट है। और वो बारूद वारूद इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब खतरनाक आउटपुट आएगा इससे। तो भैया प्रिंटिंग अपनी स्टार्ट हो गई है, बहुत वेट करने के बाद में। हाँ जी, तो अपन चल पड़े हैं अब ये पूरा तामझाम वामझाम लेके, असला बारूद भैया ने जो बना रखा है ये कंप्लीट लेके अब चल रहे हैं। अब फोन को लगा देते हैं चार्जिंग पे, क्योंकि 20% से भी कम हो गई है बैटरी। तो चलिए देखिए सर, काम के लिए मैं कितना डिवोशन में हूँ। मतलब देखिए लोअर ओवर पहन के फुल, चलो चलते हैं ऑफिस। कितने बजे आया हूँ सर मैं ऑफिस, 4 बजे, 4 बजे ऑफिस आया हूँ। इससे पहले क्या कर रहा था आपकी नज़रों में, 3:15 बजे अभी। हाँ, आपकी नज़रों में इससे पहले मैं क्या कर रहा था पता ही नहीं हमारे को। आप बताओ भैया, हराम खोरी है। आप बताओ भैया आपकी नज़रों में क्या कर रहा हूँ, फ्लेक्स निकाल रहे थे ये। बिल्कुल भैया सच बोल गए। हाँ तो भैया आपने ये बंदूक अपने से बड़ी ले आए। तो अब ये फायरिंग करने की तैयारी में भैया, नहीं महंगे हैं, महंगे लोग हैं मेरे लोग। तो चलते हैं भैया। ठीक है,
हम देखिए साइट विजिट करने किस पोशाक में आए हैं। चलो भैया चलो ले चलो। बाकी की थीम जो थी वो आ गई है और इनके बारे में अपन जो बात कर रहे थे ये भी कंप्लीट हो गया है। ये पूरा प्लस्तर वगैरह सारी चीज़ें कराने के बाद वापस ईंटें ही आ गई है अपनी वापस ईंटों वाली दीवार। यहाँ से अब हम फ्री हो चुके हैं यहाँ से, तो अब सागर भैया के रूम पे जा रहे हैं। क्यों सागर भैया? जी भैया। तो चलते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत पतला होने लगा हूँ, हल्का फुल्का ये मुझे लग रहा है। तुम्हें लग रहा है क्या? लग रहा है। सच में? आज एक हफ्ता हो गया आपको खाना छोड़। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया भाई, एक हफ्ता तो दो तीन दिन पहले हो गया था। अभी हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। अब महीने दो महीने मान लो लॉकडाउन का समय था, उस टाइम पे नहीं खाता था मैं ज़्यादा। क्या बात हो गई भाई? घूमर। हाँ भैया, सागर भी आप भी आओ, आगे आओ फ्रेम में। नीचे लिफ्ट ही खुली है अब तो। घूमर। अरे घूमो ना तुम भी भैया। अरे तुम मर के पूरे। अरे घूमर भैया। ओके जी चले। ये भी कंप्लीट हो गया है। सागर भैया इधर आओ। ये पूरी वॉल्स कंप्लीट हो गई है। इस जगह खड़े होके दिखाओ कैसा क्या लुक आ रहा है। इसके बीच में ये देखिए, ये कुछ लुक आ रहा है। आया भैया बंद करो चालू करो। तो भैया अपनी साइट का काम कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आपको अभी दिखाया हमने। तो अब हम चलते हैं सिंधी कैंप की तरफ, वहाँ मेरा एक पार्सल आया हुआ है उसे अपन लेकर आएंगे और फिर चलते हैं अपन अपने घर सुबह से, क्योंकि नहाए नहीं है, इन्हीं कामों में लगे रहे। अब भैया एक पानी की बोतल और एक नमकीन छाछ लेके आए हैं जो हम पियेंगे, क्योंकि आपको जैसा हमने बताया था कि हम बाहर का कुछ नहीं खा रहे हैं, ओनली छाछ और ये इस तरह की कुछ चीज़ें पी रहे हैं जिनसे फैट नहीं बढ़ता, और बढ़ता भी हो शायद छाछ से अपने को इतना डीपली नहीं पता, पर कोई दिक्कत नहीं है, पियेंगे इतनी तो। चलो चलो। तेरा मासूम चेहरा दिल जाने के काबिल नहीं है। बस कॉपीराइट आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आज आपको बाइक पे घोड़ा बैठा दिखाते हैं। वो बैठा देखो आगे टंकी पे इस बाइक वाले के। भीड़ बहुत होने लगी जयपुर में। पार्सल उठा लिया है। अब सागर को भी आज गंगानगर निकलना है, तो ये भी अपने यहाँ पे कुछ सामान, इसका भी था यहाँ से वो लेके जा रहा है सामान। तो क्या था, किसी ने कोई दवाइयाँ मंगाई थी यहाँ से, तो दवाइयाँ लेके जाएगा। तो अब चलते हैं, अब अपन घर पे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और आज का डे मेरे हिसाब से कंप्लीट कर देंगे। हो ही गया आज, कोई मेजर काम अब है नहीं। है बट मेजर नहीं है अब, क्योंकि कल का ऑफ हो गया। तो कल अपन सोचते हुए ट्रिप वगैरह मार के दिखाएं आपको, अगर हो सकता है कहीं की अपन ट्रिप मारें कल, मोस्ट प्रोबेबली आसपास ही चलेंगे कहीं। तो चलते हैं, कल दिखाएंगे आपको, शायद नहीं बताऊंगा, कल ही दिखाएंगे। भीड़ भाड़ वाला एरिया सर, बहुत ज़्यादा। ये सिंधी कैंप के नीचे का कुछ नज़ारा है। अब मैं फ़ोन नीचे रख लेता हूँ, नहीं पुलिस वाला पकड़ लेगा।
सागर भैया को भी गाड़ी में बिठा दिया है गंगानगर के लिए, तो वो निकल गए हैं। तो अब हम भी निकलते हैं अपने घर को। सुबह से ऐसे ही है, मुंह तक नहीं धोया, ऐसी हालत हो रखी है। अब जाएंगे बिल्कुल, तो मिलते हैं। क्यों भैया, क्या दुख है आपको? पैसा नहीं आ रहा भाई। पैसा नहीं आ रहा? अच्छा, ये तो कोई दुख नहीं है। घर वाले अभी भैया देखो, आज का प्रोग्राम ऐसा है, आज सैटरडे नाइट है, तो आज अपन कुछ खा सकते हैं बाहर का। बाहर के में भी यही खाएंगे, सोया चाप। क्यों भैया, इधर से दिखा दो, लाइटिंग आ रही है, इधर से सोया चाप खाएंगे। बैठ बैठ ना भैया। और ये मैंने तो सब छोड़ दिया जीवन में, सारे खराब शौक छोड़ दिए। सही बात है, ऐसे बोल, पैसे नहीं है भैया, गरीबी सब छुड़वा देती है ना। सही, आप और मैं कोई नहीं होते, छोड़ने वाले, छुड़वाने वाला वो होता है भाई। वो चल भैया, तो हमने लिया ये सोया चाप और भैया खा रहे हैं अपने पनीर टिक्का। मेरे को अब अफसोस हो रहा है कि पनीर टिक्का ही लेना चाहिए था। नहीं है दम दे रहे इसमें चूर चूर में। नहीं भाई, पनीर टिक्का में ही है बाकी। कर दे भैया की रिटर्न पॉलिसी 80%। हाँ भैया, एक ही बार खाया मैंने, ले लो वापस। नहीं है अभी, स्पाइसी नहीं है क्या? चाप के बाद अब एक लस्सी होते हुए, और ये अभी देखो इंतज़ार फलूदा खाने का है। भैया फलूदा खाएगा? फलूदा भाई 10 किलोमीटर की एक है, 18 किलोमीटर वाली है। पागल हो रहा है क्या? नमस्कार फ्रेंड्स, तो अपन घर आ चुके हैं, तो अब आज जल्दी सोने की तैयारी है अपनी, तो सो के मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे। और अपन प्लान कर रहे हैं कोई ट्रिप अपन कर पाए तो, अगर कल हो पाती है तो। सो चलते हैं, अपन इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।